फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको मैक्रेम का झूमर बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने दो कलर की कोड ली है। एक ये 5 इंच का रिंग लिया है, ये छोटा रिंग है, और चाहे तो आप बड़ा भी ले सकते हो। ये बेल्स हैं और ये मटका बीड्स हैं, लाइटर और सीजर। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने 3 मीटर की कोड ली है। अब हम इसको एक, मैंने ये वाइट कलर की कोड ली है, ये भी 2.5 मीटर के लगभग है। और अब हम इसको इस तरीके से सिंपल नोट लगाएंगे। इस तरीके से ये पीछे की साइड से इस तरीके से लेंगे और ये नोट लगाते चले जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपनी नोट को लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो ये हमारी पूरी कोड अटैच हो जाएगी। ये मैंने पूरा इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हम इसको कट करके लाइटर से चिपका देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें 4 कोड लेंगे अपनी और सिंपल नोट लगाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से 1, ये हमने 2 नोट लगानी है और इसके बाद अपना बीट अटैच करना है। ये देखिए, ये हमारी 2 नोट्स बन चुकी हैं। अब हम इसमें मोती लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से और सिंपल नोट लगाएंगे इस तरीके से। फिर हम अपनी पूरी 2 नोट लगाएंगे इस तरीके से और इसमें 4 मोती अटैच कर लेंगे।
इसका तो कुछ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पहले एक मोती लगाएंगे, फिर दो नोट्स बनाएंगे सिंपल, फिर मोती, फिर दो नोट्स। इस तरीके से हम अपने फोर बीट्स लगा लेंगे और फिर इस तरीके से हम पूरा सेम प्रोसीजर करके अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना पूरा ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बने हैं। डिज़ाइन हमने पूरा 5 बना के कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखिए, ये रिंग है, इसको हमें इस तरीके से अटैच करना है फ्रेंड्स। पहले हम इसके बीच से इस तरीके से निकाल देंगे और इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। ये हम डबल बार इस तरीके से अटैच करेंगे। आपको शादी बहुत हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी सारी कोड इसमें अटैच कर ली है और 3-3 कोड लगाई है मैंने इसमें पूरी। और ये देखिए, अब मैंने येलो कलर की कोड ली है। अब हम इससे क्या है, ये फ्रेंड 6 मीटर है और इसमें अब हम डिज़ाइन बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से एक बेल्स लगाएंगे और फिर अपना डिज़ाइन इसी तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से, और फिर हमने 6 बार करना है इसी तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसको हम फिर यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से गैप करेंगे और इस कोड को ऐसे लेंगे और फिर अपना डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से। अब फिर हम 6 बार ऐसे ही निकालेंगे। 1, 2, 3, 4 5 और 6। अब इसमें हम एक बेल्स लगाएंगे इसी तरीके से। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बार हमने निकाल दिया है। अब हम इसमें एक बेल्स लगाएंगे। इस तरीके से और अपना डिज़ाइन फिर कंटिन्यू करेंगे।
देती हूँ। चार ये देखिए फ्रेंड्स, और फिर हम इसमें इसी तरीके से गैप करेंगे और अपना डिज़ाइन फिर इसी तरीके से सेम प्रोसीजर से कंटिन्यू करते चले जाएंगे, डिज़ाइन बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने अपना डिज़ाइन पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसमें क्या करेंगे, कोड को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इतनी कोड कट करेंगे और फिर हम उससे आधा इंच और छोटी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम अपनी कोड इस तरीके से कट करेंगे, पहले छोटी फिर उससे कम से कम आधा इंच का फर्क रखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे आधा इंच बड़ी। इसी तरीके से हम अपनी पूरी कट कोड को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी कोड जो है वो पूरी कट कर ली है और मैंने एक आधे आधे इंच का गैप छोड़ा है। जैसे ये है तो इसमें मैंने आधा इंच थोड़ा बड़ा करके काटा है। अब हम इसमें इस तरीके से अपने मोती और बेल्स लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। इस तरीके से हम सेम प्रोसीजर से पूरे अपने मोती लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने सारे मोती चिपका दिए हैं। अब ये देखिए हमारा, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा झूमर जो है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।